हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाऊंगी लज़ानिया। इसे मैंने कढ़ाई में ही बनाया है, कोई अवन का यूज़ नहीं किया है, एक ट्विस्ट दिया है। इसे मैंने लज़ानिया शीट के साथ नहीं बनाया है, इसे ब्रेड के साथ बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को मैंने गर्म किया है और उसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी। बटर आप यहाँ सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं, और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर दैट इज़ मैदा, वो ऐड किया है और इसे हम भून लेंगे। तो मैदा का यहाँ कलर चेंज नहीं करना है, इसको हल्का सा भूनना है और इसका कच्चापन हमें निकालना है। मैं यहाँ वाइट सॉस बना रही हूँ। वाइट सॉस के लिए हमेशा बटर और मैदा इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होती है और उसका 10 टाइम्स मिल्क ऐड किया जाता है। तो देखिए, मैदा हमारा अच्छे से भुन गया है, मैंने इसे बहुत हल्का भुना है। अब मैं इसमें 3/4 कप यानी कि 150 ml मिल्क ऐड करूँगी। तो इसको कंटिन्यूस चलाते रहिए जिसमें इसमें कोई लम्स ना बने। और ये देखिए, मैं इसको कंटिन्यूस चलाती रहूँगी, इसमें अगर कोई लम्स होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो रेगुलर आप इसे अगर चलाते रहेंगे तो कोई भी गुठली होगी वो निकल जाएगी और सॉस हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। अभी सॉस हल्की सी गाढ़ी हुई है, अब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क और ऐड करूँगी। मिल्क यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ही लीजिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो मिल्क ऐड किया मैंने, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी सॉस गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है, सॉस मेरी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। तो ये मैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च बोलते हैं, वो ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है, इसे एक बोल में निकाल लीजिए। और इसके बाद अब हम रेड सॉस बनाएंगे। तो रेड सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लिया है, इसको गर्म होने रख दीजिए। और इसमें हम टमाटर को बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर में पीछे एक क्रॉस लगाया और आगे जो इसकी आई है उसको हम निकाल लेंगे। ऐसा करने से टमाटर का छिलका बहुत इजीली निकल आता है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, अगर छोटे हैं तो आप यहाँ 3 ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बॉईल होने रखा है। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। 5 मिनट के बाद इसे खोल के देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका छिलका। ये देखिए, इसका छिलका एकदम फूल गया है, ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो कट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको छिलका निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कितने इजीली इसकी स्किन निकल आ रही है। तो मैं इसकी स्किन निकाल लूँगी और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो जब टमाटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको मिक्सर में पीस लीजिए। अब हम रेड सॉस की तैयारी करते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और 4 से 5 क्लोव गार्लिक को चॉप करके ऐड किया है। गार्लिक को हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें प्याज को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको फाइन चॉप कर लिया है, वो ऐड करूँगी और प्याज को अच्छे से भूनूँगी। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, वो जल्दी भून जाए इसके लिए मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, नमक यहाँ पर आप कम ही ऐड कीजिए। साथ ही मैं यहाँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम अच्छे से चला चला कर भून लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा मिक्स ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने लगभग 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा मिक्स ऐड करा है। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, प्याज में कलर आ गया है, प्याज भुन गया है।
अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो जो टमाटो हमने बॉईल किए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया और वो पेस्ट मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है, हम रेड सॉस बना रहे हैं। तो प्याज को टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड किया और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो, वो भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको 5 मिनट अच्छे से कुक कीजिए ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा और ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये सॉस हमारी हल्की सी गाढ़ी हो गई है, अच्छा सा इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे रेड सॉस एकदम तैयार है, मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम सब्जियाँ सॉटे करेंगे। तो इसी पैन में मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने 1/4 अनियन को स्लाइस करके ऐड किया है और ये बेल पेपर्स ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें मशरूम ऐड करूँगी और कॉर्न ऐड करूँगी। तो ये मशरूम के मैंने स्लाइस किए और कॉर्न को हल्का सा बॉईल किया है, वो ऐड कर रही हूँ। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद है, जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, तो नमक बहुत ध्यान से ऐड कीजिए। साथ ही इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। तो देखिए, सब्जियों को हमें अच्छे से सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को। सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। तो सब्जियों को हमने सॉटे कर लिया है, सब्जियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, पालक भी बहुत अच्छी लगती है। तो सब्जियों को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब हम ओवन तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ये एक स्टैंड लगा लिया है। इसकी जगह आप कुकी कटर या कोई स्टैंड या कोई कटोरी भी रख सकते हैं। ढक्कन को बंद कर दीजिए और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, साथ ही ये मेरे पास प्रोसेस चीज़ है, जो क्यूब आते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। साथ ही हमने जो वाइट सॉस बनाई थी वो है, ये देखिए गाढ़ी हो गई है। ये मेरे पास रेड सॉस है, ये भी हमने बनाई थी। और ये सब्जियां हैं जिसे हमने सॉटे किया था। साथ ही ये मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस लिए हैं जिसके साइड्स मैंने कट कर दिए हैं और इसको बेलन से हमने बेल लिया है। इधर मेरे पास ये एक केक का टिन है, इसकी जगह आप कोई स्टील का बर्तन, कांच का बर्तन या कोई प्लेट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ केक टिन लिया है, ये 4x4 का केक टिन है। इसमें मैं रेड सॉस को स्प्रेड करूँगी। तो सबसे पहले आप नीचे रेड सॉस को स्प्रेड कर दीजिए। आप इसको वाइट सॉस से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ रेड सॉस से स्टार्ट किया है। रेड सॉस के ऊपर मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट सॉस स्प्रिंकल किया है, ये देखिए। और अब मैं इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस लगाऊंगी। तो ब्रेड स्लाइस आपके टिन के अकॉर्डिंग लगेंगी। अगर आपका टिन बड़ा है तो 2 स्लाइस लगेगी, छोटा है तो 1 लगेगी। यहाँ मुझे 1.5 स्लाइस ब्रेड का लग रहा है एक लेयर में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ब्रेड लगा दिया है, ये हमारा शीट का काम करेगी। अब मैं इसके ऊपर वापस से रेड सॉस लगाऊंगी और मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। रेड सॉस के ऊपर हम वापस से वाइट सॉस लगाएंगे। तो इस तरह से आप वाइट सॉस लगा दीजिए हर तरफ से, स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से फैला लीजिए। अब मैं इसमें जो सब्जियां हमने सॉटे की थी वो ऐड कर रही हूँ। तो अब हमारी ये एक लेयर कंप्लीट हो गई है। इसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ऐड कर सकते हैं। कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कीजिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कीजिए। अब मैं इसमें दूसरी लेयर लगा रही हूँ। तो ये मैं वापस से इसमें ब्रेड स्लाइस लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पूरे में ब्रेड को फैला लीजिए। कोई जगह बच जाती है तो ब्रेड को तोड़कर इस तरह से आप लगा सकते हैं। साथ ही मैंने अब यहाँ पे वाइट सॉस लगाई, तो मैं यहाँ पे पूरी वाइट सॉस को यहाँ फैला दूँगी अच्छे से। वाइट सॉस के ऊपर हम रेड सॉस लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसमें रेड सॉस लगा दिया है।
और अब हम वापस से सब्जियां लगाएंगे। ज़रा सी सब्जी मैंने बचा ली है जो मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैंने ये प्रोसेस चीज़ स्प्रिंकल किया और सबसे ऊपर मैं इसमें मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने हर तरफ अच्छे से फैला लिए और जो सब्जी मैंने बहुत थोड़ी सी बचाई थी उसको मैंने ऊपर से लगा दिया है, जो बहुत अच्छा लुक दे रही है। तो हमारा लज़ानिया तैयार है, अब हम इसे बेक करेंगे। तो होममेड ओवन हमारा तैयार है, उसमें मैं इसे बेक करूँगी। कढ़ाई प्री हीट हो गई है तो मैं लज़ानिया टिन को इसमें रख दूँगी और इसको ढककर 10 से 12 मिनट हम कुक करेंगे। और जब तक हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हम इसे कुक करेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप मत रखिए। आप देख सकते हैं चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है, लज़ानिया बहुत अच्छा दिख रहा है, तैयार हो गया है और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसे बनाया है। इसे हम निकाल लेंगे और अब हम इसे कट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। मैं इसे 4 पीसेस में कट करूंगी, तो मैं इसको बीच से एक स्लिट करूंगी और फिर इस तरह से मैं इसमें एक स्लिट करूंगी। तो इससे मुझे 4 पीस लज़ानिया के मिलेंगे और इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। इसमें ब्रेड की 2 लेयर हैं, हमने 2 लेयर में ब्रेड लगाई है, 3 लेयर में सॉसेस लगाई है। तो बहुत परफेक्टली हमारी लज़ानिया तैयार हो गई है, इसमें प्रॉपर लेयरिंग आई है, बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।